तो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू चैनल। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि अभी तारक मेहता का एक रिपीट एपिसोड खत्म ही हुआ था, जहां हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पोपटलाल की शादी इस बार हो जाएगी, लेकिन जो तारक मेहता को पहले से देखते हैं उनको पता था कि पोपटलाल की शादी नहीं होने वाली। एकदम वैसा ही हुआ भी कि पोपटलाल की शादी नहीं हुई। और गाइस आप लोगों को पता है कि एक और रिपीट एपिसोड की जर्नी फिर दोबारा तारक मेहता ने न्यू एपिसोड की स्टार्ट कर दिया। गाइस इस बार और कोई नहीं बल्कि मेहता साहब है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि मेहता की लाइफ में केवल दो ही प्रॉब्लम है, एक तो खाना और दूसरा उनका दो खोपड़ी वाला बॉस, और उसमें भी गाइस उनको छुट्टी चाहिए। और गाइस फिर दोबारा वही रिपीट एपिसोड दिखा जा रहा है कि मेहता साहब को चाहिए छुट्टी और उनका जो बॉस है वो छुट्टी देने के लिए एकदम तैयार नहीं। तो उसके लिए उन्होंने गाइस बागा को फ़ोन किया और बागा ने कुछ उनको आइडिया वगैरह दिया। तो एक और बार का ऐसा ही होगा कि मेहता साहब को तो छुट्टी दे देगा बॉस, थोड़ा झिक झिक करके, थोड़ा चिक चिक वगैरह करके छुट्टी तो दे देगा, लेकिन एक और बार पहुंच जाएगा गोकुलधाम सोसाइटी वगैरह और मेहता साहब एकदम फंसने वाले होंगे लेकिन फंस नहीं पाएंगे। तो एक और बार गाइस हम लोगों को एक और बार रिपीट एपिसोड दिखाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा गाइस तारक मेहता में इतने सारे लोग हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे, कोई ढंग की स्क्रीन प्ले स्टोरी अब हम लोगों को तारक मेहता में देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन गाइस हम लोग तारक मेहता को पहले से देखते हैं, इस वजह से हम तारक मेहता को आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। बार 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 एक ही रिपीट एपिसोड हम लोगों को देखने मिलने, मेहता साहब की प्रॉब्लम, पोपटलाल की प्रॉब्लम, जेठालाल की प्रॉब्लम, ये बीड़े वगैरह तो गाइस एकदम तारक मेहता से साइड से ही होते जा रहे हैं। तो बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बताना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।